सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारत वर्ष में लाखों संख्या में संगठन है, गिनती करना असंभव लगता है। ऐसे में जमुई जिला के झाझा नगर के बिहार खुदरा विक्रेता संघ अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। मैं इसलिए ऐसा कहना चाहता हूं कि यहां व्यापारियों का जो संगठन है वो अपने आप में अनूठा है। हर एक गरीब लोगों को यहां से मदद मिलती, जो अपने व्यापार में अगर किसी तरह से वो कुछ कमी है तो सारे व्यापारी मिलकर उसका उत्थान के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए एक सराहनीय कदम को मैं सलाम करता हूं। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ के जो इंद्रदेव प्रसाद केसरी जी हैं, सोनू जी, बहुत सारे सदस्य जो संगठन को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सलीके से चला रहे हैं। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, दौर था बिहार में जहां व्यापार करना बहुत ही मुश्किल था। अभी वो दौर है कि लोग व्यापार खुले मन से कर रहे हैं। दैनिक लैब 24 के लिए जम्मू झाझा से वीरेंद्र कुमार की एक खास रिपोर्ट। युवा व्यापारी कुणाल टंडेसी जी जुड़ रहे हैं, मैं इन्हीं से जानूंगा, क्योंकि ये दोस्तों, हमारा देश पूरे विश्व में युवाओं से भरा हुआ इकलौता देश है। यदि युवाओं की शक्ति एक होती है तो उस देश को तरक्की होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं बात करना चाहूंगा कुणाल जी से। सर, क्या रणनीति है अभी? वीरेंद्र जी, हमारा संगठन जो है बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ पटना शाखा झाझा, एक बहुत ही मजबूत संगठन है। हमारे संगठन के अंदर लगभग 400 व्यापारी एक जगह एकत्रित होते हैं, तो इन 400 व्यापारियों का बचाव किसी भी असामाजिक तत्व से या किसी भी प्रशासनिक व्यक्तियों द्वारा संगठन का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है। धन्यवाद। रणनीति क्या होगी, मैं इन्हीं से जानूंगा। सर देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है कि हमारे व्यापारियों का हर तरह से विकास हो, हमारे व्यापारी भय मुक्त वातावरण में अपना व्यापार करें, किसी भी तरह का कोई परेशानी उसे ना हो, चाहे वो किसी भी दिशा का, किसी भी क्षेत्र का हो। धन्यवाद। मैं बात करता हूँ सोनू जी से, क्या प्रोग्राम है आगे? झाझा के तमाम व्यापारियों की तरफ से सबसे पहले आपको बधाई, और मैं किसी भी व्यवसायियों को किसी भी तरह की कठिनाई हो उसके लिए मैं, हमारे अध्यक्ष महोदय और मेरा पूरा कार्य समिति हमेशा एक पैर पे खड़ा रहता है और खड़ा रहेगा। जहां तक आने वाले लोकसभा चुनाव की बात करें तो हमारा संगठन भी, चाहे वो पार्टी किसी से हो, जो देश की बात करेगा, जो हमारे जमुई लोकसभा की बात करेगा, जो हमारे झाझा की बात करेगा, जो हमारे संगठन की बात करेगा, मैं उसके साथ हूँ। धन्यवाद।